नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवा पाए, उनके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि अगर आपकी फसल ख़राब हो जाती है और आपने बीमा नहीं करवा रखा है तो आप बीमा क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी, इसके लिए किसान को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फसल मेरे पोर्टल पर किसान का पंजीकरण होना अनिवार्य है। चलिए आइए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउज़र या क्रोम में ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें fasalharyana.gov.in टाइप करना है। आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो होता है किसान अनुभाग और जो दूसरा ऑप्शन है वो है अधिकारी अनुभाग। तो आपको इसमें किसान अनुभाग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन खुल के आती है इसमें आता है किसान का पंजीकरण, दूसरे नंबर पे आता है हम किसान पंजीकरण प्रिंट के लिए, और तीसरा है अगर आप अकाउंट नंबर गलत हो जाते हैं तो उसको बदलने के लिए। लेकिन इसके नीचे एक और दिया हुआ है, किसान भाइयों यह ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, सबसे पहले इसमें तीन ऑप्शन हैं। नंबर एक, आप परिवार पहचान पत्र दे सकते हो। नंबर दो है, आप अपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा फसल का उसकी आईडी। तीन नंबर पे मोबाइल नंबर। तो चलिए इसमें जैसे आप अपने मोबाइल नंबर भरते हैं और इसमें मोबाइल नंबर भरने के बाद आपका नाम है वो शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे इसमें कैप्चा डालते हैं और इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद आपको ओटीपी आएगा, इसमें ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी सत्यापित करें पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो कर देगा। और इस प्रकार किसान भाइयों आपके सामने पूरी ऐप की जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर देगा, जो आपने मेरी फसल मेरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था उसके अनुसार। और इसमें एक शर्त और है, यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी जो फसल का वो बीमा है वो करवा रखा है तो आप यहाँ से उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं क्लेम के लिए। उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा, वो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे है क्षति का कारण, कि नुकसान हो किस कारण से हुआ है, इसमें सभी ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी फसल को नुकसान हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और तीसरे नंबर पे है परसेंट, कितनी प्रतिशत आपके फसल को नुकसान हुआ है वो आपने यहाँ से चुनना है। और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसमें जो डेट है आपके नुकसान की जितनी तारीख है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद आप सूचित करें, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और क्या आप आवेदन जमा करना चाहते हैं यस कर दीजिए। यहाँ पे आपकी जो शिकायत है यहाँ पे सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार आप एक एक करके जितना क्षेत्र में आपका नुकसान हुआ है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, कि आप इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं।